नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके चैनल अंकित टेक क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं फिर से आपके समक्ष हाजिर हूं एक और अपने वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। हड्डी स्ट्रक्चरिंग प्रॉप्स एंड स्टेट, ये 14वां पार्ट है हमारे रिएक्टिव फॉर बिगनर सीरीज का। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज अच्छी लग रही होगी, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग सीख रहे होंगे कि रिएक्ट के अंदर हम कंपोनेंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो मेरा पर्टिकुलर एम यही है कि आपको सिंपल से सिंपल एग्जांपल के थ्रू रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करा सकूँ। ठीक है, अगर आप लोग अब नए हैं मेरे चैनल पे तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो प्लीज लाइक माय वीडियो चैनल एंड एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स सर्कल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम पर्टिकुलर प्रॉप्स और स्टेट्स को किस तरीके से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर क्या होता है और हम उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली जो डी स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक्मा स्क्रिप्ट 6 और ES 2015 का एक फीचर है। ठीक है, बेसिकली इसका यूज क्यों किया जाता है, सपोज अगर हम सपोज हमने कोई पर्टिकुलर एरे बनाई हुई है। ठीक है, सपोज अगर हमने यहाँ पे एक एरे बनाई हुई है और इस एरे में अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज डिफाइन की हुई है, सपोज 1,2,3,5। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्लीट एक एरे है। ठीक है, जिसमें हमने 5 वैल्यू स्टोर कराई हुई है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम हर एक वैल्यू को एक डिफरेंट वेरिएबल सेपरेट वेरिएबल्स में स्टोर कराना चाहते हैं। सपोज हमने स्टोर कर लिया बी में, इसे कर लिया सी में, इसे कर लिया डी में, कर लिया ई में और इसे कर लिया एफ में। तो आप क्या देख रहे हो कि हमने एक एरे लिए, एरे में हमारे पास 5 वैल्यूज थी और उन 5 वैल्यूज को हमने 5 डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया है। दैट इज डी स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो अगर हमारा पर्टिकुलर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो और एरे है, ठीक है, तो एरे वैल्यूज को मल्टीपल वेरिएबल्स में डिफाइन करने की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, डी स्ट्रक्चरिंग कहते हैं। सपोज हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज हमारा एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, राइट। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक उसका नाम है, उसकी एज है, उसकी क्लास है, राइट। तो अब हमें क्या डी स्ट्रक्चरिंग कर रहा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसका नेम अलग एक नेम वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, उसकी एज जो है उस अलग वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, और जो उसकी क्लास प्रॉपर्टी थी उसको हम एक अलग वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। इट मींस कि क्या कर रहे हो कि आप अनपैक कर रहे हो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और एरे को मल्टीपल मल्टीपल वेरिएबल्स में, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। जैसे सपोज अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स में वैल्यूज होती है, तो हम क्या करते हैं उनको कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट में या एक एरे में स्टोर करके रख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चराइजेशन। ठीक है, इसी के डिफरेंट या अपोजिट वे को हम क्या कहेंगे, डी स्ट्रक्चरिंग, जिसमें आप क्या कर रहे हो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एरे को वैल्यूज को उठा के मल्टीपल डिस्टिंक्ट वेरिएबल में स्टोर करा रहे हो, दैट इज कॉल्ड डी स्ट्रक्चराइजेशन, दैट इज द फीचर ऑफ ES6। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपने कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वास्तव में हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहा है, हम कौन सी वैल्यूज कितनी वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं और वो किस वेरिएबल्स में हमारे स्टोर्ड है। तो अगर हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज ऑब्जेक्ट है, तो हमें मल्टीपल वेरिएबल्स बना के देन हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसी चीज को डेमो में देखेंगे कि आप किस तरीके से हम फ्रेंड्स
प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ जान सकते हैं, जैसे सपोज हमारे पास क्या है, एक प्रॉप्स ऑब्जेक्ट है, राइट। अब प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, एक तो हमारे पास क्या है, नेम है, राइट, और एक हमारे पास क्या है, एज है। ये दो प्रॉप्स में आप दो वैल्यू भेज रहे हो, एक नेम भेज रहे हो, दूसरा क्या है, एज भेज रहे हो, एज भेज रहे हो, राइट। तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर आप इसको डिस्ट्रक्चराइज करोगे तो आप क्या करोगे, अनपैक करोगे प्रॉप्स को और उसे डिवाइड कर दोगे मल्टीपल वेरिएबल्स में, जो आप उसमें क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो आप प्रॉप्स को अनपैक करोगे नेम में और एक एज में, तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स में क्या होगा, इसको तोड़ देगा। तो हमारे पास क्या हो गया, प्रॉप्स ऑब्जेक्ट जो कि कंबाइंड ऑब्जेक्ट था, उसकी प्रॉपर्टीज को हमने मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर करा दी, डेट इज कॉल्ड स्ट्रक्चराइजेशन। तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसे डेमो में कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है प्रॉप्स टाइप्स के बारे में देखा था कि प्रॉप टाइप क्या होते हैं और किस तरीके से प्रॉप्स टाइप का यूज करके प्रॉप्स की वैल्यूज के टाइप को चेक कर सकते हैं कि वो आपने किस टाइप की वैल्यू, या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो किस टाइप की वैल्यूज को एज ए इनपुट रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, दोनों तरीके से देखेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट में आप डिस्ट्रक्चराइजेशन प्रॉप्स का किस तरीके से करोगे और क्लास कंपोनेंट के थ्रू हम किस तरीके से करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, एक SRC कंपोनेंट के अंदर एक ग्रीटिंग फोल्डर बनाया था, उसमें एक greeting.jsx फाइल बनाई हुई थी, राइट। अब इसमें हमने फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू एक ग्रीटिंग कंपोनेंट बनाया हुआ था जिसे हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया था, राइट। अब मैं इसको जो है प्रॉप्स टाइप और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे यहाँ पे हमने प्रॉप्स ऑब्जेक्ट को पास किया हुआ, कहाँ से, app.js से, ठीक है। हमने यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, वेलकम। अभी सपोज अगर हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर दें, ग्रीटिंग, ठीक है। वापस से हम अपने ग्रीटिंग को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया क्या, ग्रीटिंग, ठीक है, ग्रीटिंग। और नेम में क्या पास कर दिया, आलो, ठीक है। और एक और वेरिएबल पास कर दे रहे हम, एज इक्वल टू 20, ठीक है। तो डायरेक्टली वैल्यूज हम कहाँ स्पेसिफाई करेंगे, विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स, क्या स्पेसिफाई कर दिया, 28। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से जो हम वैल्यूज पास कर रहे हैं तो ये हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स यानी एट्रीब्यूट्स को आप क्या कह सकते हो, ये दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, नेम और एज, ठीक है। तो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और जब ये हमारे पास ग्रीटिंग में स्पेसिफाई हो करेंगे, प्रॉप्स में एज अ प्रॉपर्टीज ये डिफाइंड हो जाएंगे। तो इट मींस क्या हो रहा है, स्ट्रक्चराइजेशन हो रहा है। इट मींस कि जो हमारे पास सेपरेट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो कंबाइन होके एक ऑब्जेक्ट में एज अ प्रॉपर्टी डिफाइंड हो जा रहा है। तो हम प्रॉप्स के थ्रू ही दोनों प्रॉपर्टी वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। बट अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब हम इसको डिस्ट्रक्चराइजेशन करना है, मानी कि इसको वापस से इनकी प्रॉपर्टीज को उठा के मल्टीपल वेरिएबल्स में, और वो डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए, ठीक है, उनमें हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे इसके फंक्शनल कंपोनेंट में करने में दो तरीके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वे में क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे, ठीक है, चूंकि हमारे पास सिंगल वेरिएबल था तो इसलिए हमें पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं थी प्रॉप्स में। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉप्स ना पास करके यहाँ पे हम वो डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स ही पास कर देंगे। तो विद इन द कर्ली ब्रेसेस क्या पास करेंगे, नेम, नेम कॉमा एज, ठीक। तो हमने डिस्ट्रक्चराइज कर दिया है, तो अब आपको प्रॉप्स की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डायरेक्टली हम इसे यूज कर, राइट। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमें इसे प्रॉप्स डॉट नेम और प्रॉप्स डॉट एज लगा के एक्सेस नहीं करना पड़ा। ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, नेम में नेम को स्टोर कर दे रहा है, जस्ट लाइक एज फंक्शन हम यूज करते थे किसी भी लैंग्वेज में, और एज में एज वैल्यू को पास कर दे रहा है। तो अब यहाँ हमारे पास क्या हो जा रहा है,
ठीक है, डायरेक्टली नेम में नेम स्टोर हो रहा है, एज में एज हो रहा है, हम डायरेक्टली नेम और एज की वैल्यू को विदाउट यूजिंग प्रॉप्स आप डायरेक्टली इसे एक्सेस कर ले रहे हो। अगर मैं इसको सेव करूं तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, हेलो आलोक एंड एज इज 28, ठीक है, क्योंकि हमने नेम पे क्या का पास किया, आलोक, ठीक है। ठीक, प्रॉप्स टाइप सब हटा देते हैं क्योंकि हमने प्रॉप्स टाइप को यूज नहीं करना है, ठीक है, इसलिए वार्निंग दे रहा है। ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुली, अगर हम इसका आउटपुट देखें हम, ठीक है, तो हेलो आलोक एंड एज इज 28, राइट। तो आपने क्या कर दिया, इसे डिस्ट्रक्चराइज कर दिया। अब हमारा दूसरा तरीका क्या है, फर्स्ट वे में तो दूसरा तरीका यह है कि हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम प्रॉप्स ही पास करेंगे, राइट, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे हम बना लेंगे कॉन्स्ट नेम कॉमा एज इक्वल टू प्रॉप्स, राइट। अब मैं इसको सेव करूंगा, ठीक, तो आप देखेंगे आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, डायरेक्टली क्या दे रहा है, हेलो आलोक एंड एज इज 28। तो अब इसमें क्या किया हम, जो इसमें क्या हो रहा है, पहले स्ट्रक्चराइजेशन हो रहा है और फिर डीस्ट्रक्चराइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि नेम और एज, ठीक है, दो वेरिएबल्स की, दो एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिफाइन किया है, जो प्रॉप्स में एज अ प्रॉपर्टीज इसे कंबाइन कर लेगा, प्रॉप्स डॉट नेम और प्रॉप्स डॉट एज। अब हमें इसको क्या कर रहा है, वापस से हमने बोला कि प्रॉप्स डॉट नेम है वो नेम में डाल दो और प्रॉप्स डॉट एज है वो एज में डिफाइन कर दो, ठीक है। तो अब ये अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, तो हम जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स को हम एक्सेस करते हैं डायरेक्टली उसके नेम से, हमने उसे एक्सेस कर लिया है कर्ली बेसिस में नेम और कर्ली बेसिस में एज, तो प्रॉप्स डॉट नेम और प्रॉप्स डॉट एज नहीं लगाया, पर तो बार बार हमें प्रॉप्स का यूज बच गया। सो दैट इज द यूज ऑफ द रिस्ट्रक्चराइजेशन, ठीक है, कि हमें एक ही ऑब्जेक्ट को हम बार बार लिख रहे थे, प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट एज, जितनी हमारे पास वेरिएबल्स बढ़ते जाते, प्रॉपर्टीज बढ़ती जाती, हमें उतनी बार प्रॉप्स को रिपीटेड करना पड़ता, ठीक है। तो इस रिपीटेशन को बचने के लिए हमने क्या किया, डिस्ट्रक्चराइजेशन किया, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पास कोड की रीडेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। सो दैट इज द यूज ऑफ डिस्ट्रक्चराइजेशन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आप सपोज हमने क्या देखा कि हम फंक्शनल कंपोनेंट, अगर यही सेम चीज अगर आपको क्लास कंपोनेंट के थ्रू करनी पड़ेगी, तो क्लास कंपोनेंट में क्या करेंगे, तो हमने लास्ट वीडियो में एक वेलकम नाम की क्लास बनाई थी, तो इसमें सबसे पहले मैं प्रॉड टाइप का यूज हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और डिफॉल्ट प्रॉप्स का भी यूज हटा दे रहा हूँ, राइट। अब यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हम दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम पास कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हो दिस भी पास कर रहे हो, प्रॉप्स भी पास कर रहे हो, देन नेम को आप एक्सेस कर पा रहे हो, क्लियर। तो अब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए, दिस और प्रॉप्स रिमूव हो जाने चाहिए, ठीक है, दैट इज द एम ऑफ डिस्ट्रक्चराइजेशन। तो यहाँ पे अगर हम वेलकम पास करेंगे सपोज, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वेलकम, यहाँ पे नेम इक्वल टू क्या पास कर दिया हमने, अंकित, एंड एज इज 30, राइट। तो हम वेलकम कंपोनेंट में जाएंगे, ठीक है, राइट। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, रेंडर फंक्शन में सेम सेम लिखेंगे, कांस्टेंट नेम कॉमा एज इक्वल टू करके क्या लिखा था हमने, प्रॉप्स, राइट। तो हमने सेम थिंग लिखी थी, नेम कॉमा एज, और प्रॉप्स के थ्रू आप डायरेक्टली एक्सेस कर लेते थे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा दिस डॉट प्रॉप्स, ठीक। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे वेलकम,
एंड एज इज, और डायरेक्टली इसे हम एज को यूज कर। तो हमारे पास क्या आना चाहिए कि हमारे पास वेलकम अंकित, ठीक है, एंड एज इज 32। ठीक, तो आप देखें कंपाइल सक्सेसफुली। अगर हम आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, वेलकम अंकित एंड एज इज 32। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए, क्लास कंपोनेंट डिस्ट्रैक्ट। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली प्रॉप्स को यूज किया था, यहाँ पे हम दिस डॉट प्रॉप्स। तो आप यहाँ पे हमारा एम कंप्लीट हो गया, ठीक है, अचीव कर लिया कि डायरेक्टली नेम को ऐसे कर लिया, एज को एज। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता क्या, दिस डॉट नेम, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम और दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एज। तो दिस डॉट प्रॉप्स को हमें बार बार यूज नहीं, राइट। तो हमने दिस डॉट प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चराइज कर लिया नेम और एज में, यानी कि दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम हो गया डिफाइंड हो गया नेम के थ्रू, और दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एज डिफाइंड हो गया एज के थ्रू, राइट। तो इस तरीके से नेम नेम से जो आप वैल्यू एक्सेस कर रहे हो, एक्चुअली में किसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, और एज के थ्रू आप किसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एज, राइट। तो अगर इसी तरीके से अगर आपने स्टेट भी बनाई होगी तो आप सिमिलर काइंड ऑफ वे से आप स्टेट को भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे डिफाइन किया कॉन्स्ट स्टेट 1, स्टेट 2, ठीक है, और दिस डॉट प्रॉप्स नहीं यूज करेंगे अब, इसके लिए क्या करेंगे आप, यूज करेंगे दिस डॉट स्टेट, ठीक है। तो आप जो भी आप डिफरेंट स्टेट्स का नाम लिखेंगे वो आप स्टेट का यहाँ पे डिफाइन करके दिस डॉट स्पेस के। तो अभी मैंने कोई भी स्टेट का एग्जाम्पल यूज नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग अभी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस स्टेट क्या होता है और हम कंपोनेंट की स्टेट को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। राइट, सो दैट इज द स्कोप ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो आज की वीडियो हमने सीखा कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चराइज कर सकते हैं और कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सेम थिंग प्रॉप्स और स्टेट दोनों में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक।